और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हम उसको नॉन डेयरी मिल्क दे रहे हैं, जैसे कि अगर हम उसको आमंड मिल्क दे रहे हैं या सोया मिल्क दे रहे हैं या राइस मिल्क दे रहे हैं, तो हमें उसका जहाँ जिस भी ब्रांड का दे रहे हैं या जहाँ से भी आप ला रहे हैं उसका लेबल वगैरह ज़रूर चेक करिए कि क्या वो फोर्टिफाइड या इनरिच्ड है विद वाइटमिन्स एंड मिनरल्स। फोर्टिफाइड मिल्क भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर वो फोर्टिफाइड है कुछ न्यूट्रिएंट्स से तो वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो सकता है।